सरकार की थोड़ी गर्मी निकल गई और अपनी गर्मी निकालने के लिए कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दिए, उनकी गर्मी निकाल दी शायद। एमएलसी का चुनाव हुआ, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा, वहां निर्दलीय जीत गया, वहां बीजेपी की गर्मी निकल गई। अगर इनकी बिजली ठीक थी तो इन्हें बिजली मंत्री क्यों हटाने पड़ गए? और मैं यूं कहूं कि इनकी गर्मी निकाल दी इन्होंने। ये रटाया जाता है माननीय अध्यक्ष जी, ये रटाया जाता है कि आपको यही बोलना है। आप बीजेपी के मुंह से सुनेंगे तो कहेंगे चार डिस्ट्रिक्ट में बिजली जाती है बस। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिजली गई थी, सरकार की थोड़ी गर्मी निकल गई और अपनी गर्मी निकालने के लिए कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दिए, उनकी गर्मी निकाल दी शायद। गर्मी को यही मानूं मैं, और गर्मी को अगर मैं मानूं तो गर्मी खत्म नहीं हो सकती। गर्मी नहीं खत्म होती। मान लीजिए बनारस का चुनाव था, एमएलसी का चुनाव हुआ, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा, वहां निर्दलीय जीत गया, वहां बीजेपी की गर्मी निकल गई। तो अगर मैं गर्मी मान लूं, एनर्जी साइंस का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफर्ड। तो आपने एनर्जी निकाली, गुस्से में आप आते होंगे तो कहीं तो एनर्जी निकालेंगे आप। जहां तक बिजली उत्पादन का है सवाल, मैं माननीय सदस्य कहूंगा जब जवाब दें तो वो बताएं अपने 5 साल में कौन सा बिजली का एक कारखाना लगाया, ये बताएं हमें। और मैं ये ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि 5 साल पहले और आपके 5 साल में उत्तर प्रदेश को कितनी बिजली बढ़ाई है। अगर बिजली पर पीछे मुड़ करके देखेंगे तो हमें तो एक एक बिजली का प्लांट याद है कहां पर लगवाया है, शायद सरकार के लोग नहीं बता पाएंगे। और अगर आप, मैं देखना अध्यक्ष महोदय मैं बैठ सकता हूं, अगर सरकार के लोग अपने बिजली के प्लांट के नाम बता दें किसने किस समय लगाया, तो मैं अपना भाषण यहीं समाप्त कर दूंगा। और अगर बिजली ठीक थी इनकी, अगर इनकी बिजली ठीक थी तो इन्हें बिजली मंत्री क्यों हटाने पड़ गए? और मैं यूं कहूं कि इनकी गर्मी निकाल दी इन्होंने। भाई मंत्री हटने से ही गर्मी निकली, ये खराब शब्द नहीं है, अब अच्छा शब्द हो गया। ये शब्द कौन इस्तेमाल कर रहा है वहीं से एनर्जी पता लग रही है।